दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं के बीच जो युद्ध है वो थम नहीं रहा है। ये बीजेपी नेताओं के बीच इस वक्त मुख्यमंत्री बनने की ऐसी होड़ लगी है कि एक के बाद एक लगातार सब एक दूसरे पर तीर ताने खड़े हैं। अब देखना यह है कि किसका बाण पहले चलता है, एक्चुअली निशाने पर लगता है। सवाल ये है क्योंकि अभी हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कहने को तो पोजीशन पर रहे हैं लेकिन नहीं रहे हैं, ऐसी स्थितियां उनको एहसास होती रही है अक्सर। तो उन्होंने हाल ही में एक बात कह दी, उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ी होती है, बड़ा होता है। तो यानी कि संगठन जो है वो कुल मिलाकर के बड़ा है, ये बात उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में बोली है, क्योंकि अपने बातों को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं कुछ अलग तरह से। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को यह बताने की कोशिश की है, पिछले कुछ वक्त से लगातार अमित शाह के साथ में जितने भी लोग उनके सपोर्ट वाले हैं, उनकी लॉबी वाले हैं, वो सब योगी आदित्यनाथ की सरकार को लगभग 10 दिन 15 दिन कह के गिराने में लगे हुए हैं। इस तरह की चर्चाएं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हो रही हैं। अच्छे खासे पद और कद वाले व्यक्ति ये बातें कर रहे हैं और उसके बाद भी योगी की कुर्सी अभी तो नहीं हिली है लेकिन तब हिल सकती है, कब हिल सकती है ये बड़ा सवाल है। ऐसे में तमाम तरह के न्यूज चैनल्स पर भी खबर चल चुकी है कि भाई योगी की कुर्सी क्या हिलने वाली है, ये किसी तरह से खींच रहे हैं योगी आदित्यनाथ इस कुर्सी के वक्त को, लेकिन कुर्सी को पकड़ के जिसे कहते हैं ना बैठे हुए, हालांकि यहाँ से दिल्ली से उसे हिलाने की पूरी कोशिश चल रही है। अंदर क्या चल रहा है, ये पूरा घटनाक्रम क्या है, आइए बात करते हैं वाहिद नसीम जी से और समझते हैं इस बात को। 4TV मैनेजिंग एडिटर वाहिद नसीम जी हमारे साथ जुड़ते हैं। सर, बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर कि जो ये कुर्सी है योगी जी पकड़ के ऐसे बैठे हैं, दिल्ली वालों को हिलाने नहीं दे रहे हैं, और दिल्ली में कितने लोग हैं जो इस कुर्सी को गिराने में लगे हुए हैं, कब तक बचेगी है, मतलब बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, बड़ी बात ये है। बात यह है कि शुरुआत में जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे तब भी मोदी या अमित शाह लॉबी नहीं चाहती थी कि योगी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इवन आरएसएस भी शायद उस वक्त सहमत नहीं थी, मगर योगी आदित्यनाथ की अपनी लॉबी इतनी मजबूत थी कि अगर ये ऐसा ना करते तो फर्स्ट सरकार भी यूपी में नहीं बन पाती और वो एक तरह से जबरदस्ती मुख्यमंत्री बने थे। यहाँ जो केशव प्रसाद मौर्य जी जो जिस तरह का इंडिकेशन दे रहे हैं वो ये माना जा सकता है कि केंद्र सरकार की जो हाई कमान है यानी अमित शाह की तरफ से इशारा मिलने के बाद ही वो इतनी बात कह सकते हैं, वरना योगी आदित्यनाथ के सामने इतनी बात कहने की हिम्मत केशव प्रसाद मौर्य की नहीं है। मगर इसका जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने भी थोड़ा सा वाचक किया। इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि केशव प्रसाद मौर्य ना अपनी सीट खुद हार गए हैं। यहाँ जो आज इनकी जो कल जो इनकी मीटिंग हुई है जो जिसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चिंतन किया गया है, उसमें आदित्यनाथ जी ने बड़ा क्लियर एक शब्द कहा है कि ये जो 10 सीटें उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें हम 10 की 10 सीटें जीत के दिखाएंगे। जो कुछ हार हुई है या जो कुछ यहाँ नतीजे आए हैं वो उन्होंने एक तरह से एक सेंटेंस बोला है कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम ये चुनाव हार गए हैं। लोकसभा में जो हमारा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस का शब्द जो है वो विश्लेषण करने योग्य है। जैसे आप मान सकते हैं कि यानी कि आदित्यनाथ को पीछे किया गया, अमित शाह खुद आगे आए, मोदी जी का खुद का चेहरा रहा और ना स्टार कैंपेनर की तरह इस्तेमाल किया गया, ना योगी आदित्यनाथ को यहाँ एक मतलब हीरो की तरह या स्टार कैंपेनर की तरह पेश नहीं किया गया। यानी ओवर कॉन्फिडेंस में ये सीटें हारे, सीधे योगी आदित्यनाथ का अर्थ है कि अगर ये सीटें यूपी में हारी गई हैं तो वो अमित शाह और मोदी जी की वजह से हारी गई हैं, यानी ये हार मोदी जी की है ना कि आदित्यनाथ की है। आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अब ये 10 की 10 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल इसमें कोई दोराय नहीं है विनीता जी के आने वाले उपचुनाव जो है, उपचुनाव तक ये सरकार नहीं गिर रही है। उपचुनाव में वो 10 की 10 सीटें नहीं तो 10 में से ज्यादातर सीटें यूपी में बीजेपी जीत सकती है। उसका कारण आपको बताता हूं। एक बात, ये अंदाज में यानी वोटर के सर पे रख के अगर आप ये कहें कि आप योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है उसकी वजह से ये सीटें जीती जा सकती है, संभव नहीं है।
यहाँ ये संभव सिर्फ इसलिए है कि मशीनरी का दुरुपयोग करके वो सीटें जीती जा सकती हैं कि आप अगर दूसरे पक्ष के लोगों का, जैसे रामपुर में योगी जी एक ट्रेलर दिखा चुके हैं कि वो कितने वोटर्स को घर से बाहर निकलने देते हैं और कितने नहीं निकलने देते हैं, इस पर आप वो अपना एक जो रद्दअमल है, जो उनकी प्रक्रिया है, उसको अगर वो अपनाते हैं तो वो 10 की 10 सीटें जीत सकते हैं, क्योंकि दूसरी पार्टियों के वोटर्स को वो घर से ही नहीं निकलने देंगे। तो कुल मिला के इस शैली को अपनाने की पूरी संभावना है। ये बात मेरे ख्याल से अखिलेश यादव को भी सुन लेनी चाहिए, राहुल गांधी को भी सुन लेनी चाहिए और तमाम विपक्ष को भी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार योगी आदित्यनाथ के जो मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे थे वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर नहीं हो रहे थे, वो मोदी जी के चेहरे पर लड़े जा रहे थे। अब जो चुनाव होंगे, उपचुनाव हुआ, वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर होंगे, क्योंकि इनकी अपनी जो स्टेट की कार्यशैली है उसको साबित करना है कि स्टेट में उसको पसंद किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और बहुत कुछ होने की संभावना है। अब बात करते हैं कि यूपी में मुख्यमंत्री बदलने की आखिर क्या मजबूरी है जो है वो अमित शाह की। तो ये आपसी टशन हो सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हिंदुत्व का कोई और चेहरा वो यूपी में बीजेपी आरएसएस या इस सरकार के लिए काम आने वाला है। एक चीज आप समझ लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के पास जितने वोट बचे हैं ना विनीता जी, भारतीय जनता पार्टी के पास वो तमाम वोट सिर्फ हिंदुत्व के बचे हैं, जो वो भी हिंदुत्व के किन के बचे हैं, जो बाजार खोल के दुकान बैठे हैं या फिर जो है वो लोअर क्लास कैटेगरी के बहुत जो खेतों में मजदूरी करते हैं या 500 रुपए की मजदूरी करने शहरों में इधर उधर जाते हैं, जिन्हें सिर्फ धर्म से लेना है या शाम को अपनी दिहाड़ी से लेना है, इससे ज्यादा कुछ लेना देना उनका नहीं है। वो वोट बैंक बहुत बड़ा है इस देश में और वो वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी के या मोदी जी के साथ खड़ा है, मोदी जी के चेहरे पर खड़ा हुआ है, या इसे आरएसएस भी अपने साथ मैनिपुलेट कर सकती है, मगर योगी और मोदी जी के साथ जो वोटर खड़ा है वो उसी तरह का खड़ा है। मगर इसमें से जो कम हुआ है वो क्या है, देखिए देश के अंदर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व वोट बैंक जो है वो कम हुआ है? बिल्कुल कम हुआ है। वो कौन सा कम हुआ है वो बताता हूँ, वो कौन सा कम हुआ है। देखिए मैंने कहा तो इससे उनके नंबर दिल्ली में भी घटते हैं? नहीं, वो ऑब्वियसली घटते हैं, क्योंकि वो तो मोदी जी का भी कम हुआ है ना, ये सिर्फ योगी जी का ही कम नहीं हुआ है, वो आपने जो देखा है लोकसभा में वो कौन सा है, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी का या हिंदुत्व का जो कोर वोटर था वो कम कौन सा हुआ है? 10 सालों में जिन्होंने डिग्रियां हासिल की, जिनके घर वालों ने पैसे खर्च किए, जिन लोगों ने गांव के अंदर पुलिस में फौज में भर्ती करने की तैयारियां की, जिनकी माओं ने उनको दूध पिलाया, उनको घी खिलाया, उनकी रेस लगवाई, पूरे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आप जानते हैं कि गांव गांव में ये कल्चर है कि वो लोग शाम को दूध पी के मतलब रेस लगाते हैं, भागते हैं, फिर अपनी जो गाय भैंस वो पालते हैं उनका दूध उनकी माएं पिलाती हैं और इस देश की सेवा के लिए, फौज के लिए या पुलिस के लिए उनकी तैयारी की जाती है। उनको नौकरी आप 10 साल नहीं दोगे तो वो 10 साल में उनकी एज भी निकल चुकी है, अब वो चिढ़ चुके हैं। यानी युवा वोट पूरी तरह से अभी नहीं किसका, मगर युवा वोट का एजुकेटेड तबका जो है पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी से खिसक चुका है, अब वो हिंदुत्व का बहकावे में या उसका ऐसा तो नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी से खिसक चुका है और इसकी फ्रस्ट्रेशन कहीं पर योगी आदित्यनाथ पर ये लोग निकाल रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ पर जो है वो आपसी टशन है। देखिए जितना हम इंटरनल जानते हैं, आप भी ये बात जानती हैं, दर्शक शायद कम जानते हो ये बात, तो उनके लिए कही जा सकती है, अमित शाह साहब की और योगी जी की जो है वो इंटरनल एक फाइट है पूरी तरह, वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। आज भी जो मीटिंग हुई है उसमें अमित शाह जी शामिल नहीं हुए हैं, योगी आदित्यनाथ थे। अगर अमित शाह शामिल होते तो योगी नहीं होते, और अगर मोदी जी की और योगी जी की भी बंद कमरे में अगर कोई बात होती है तो योगी जी अपने आप को कहीं भी एक तिल भर भी कम करके नहीं आते, भाषा शैली में भी वो अपना एरोगेंस और अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। ये बात जो जिस मोदी जी को अपनी परछाई का टेढ़ा होना भी अपने सामने पसंद नहीं है, अपनी परछाई का टेढ़ा होना भी जिसे पसंद नहीं है, वो योगी जी को सीना तान के बात करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कार्यशैली है मोदी जी की और ये अब उनके मरते दम तक बदल नहीं सकती। कुछ दिनों के लिए ढक्कन जरूर लगा है, यानी ढक्कन लगाए वो बोल रहा हूं, उसकी वजह जो है राष्ट्रीय नहीं है, उसकी वजह अंतरराष्ट्रीय है।
अंतरराष्ट्रीय दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत थ्रेट चल रही है। आपको पता है कि ये जो भारत को मोदी जी की यात्रा पे अभी जो थ्रेट दी है अमेरिकी राजदूत ने, मतलब वो अमेरिकी राजदूत ने बाकायदा थ्रेट भरे लफ्जों में बहुत कुछ कहा है भारत को कि तुम्हें रूस के साथ नहीं जाना चाहिए था, आप जानते हो कि युद्ध जो है किसी से भी दूर नहीं है, बहुत कुछ कहा है। ठीक है, मतलब ये मोदी प्रोग्राम मोदी का हिस्सा नहीं इंटरनेशनल है लेवल ये, पर मतलब कुल फंसे हुए मिलाकर ये हैं। है कि हाँ, मोदी जी अगर इस वक्त शांत है तो वो अंतरराष्ट्रीय मामलों में बुरी तरह फंस चुके हैं, तो वो ना लेकिन इधर अभी के हैं ना घरेलू उधर के। डोमेस्टिक में तो शांत नहीं है ना। अभी तो योगी आदित्यनाथ ने सब तो कुछ डिजास्टर डोमेस्टिक, वाली किया है। अब आपको एक चीज और बताता चलूं, शायद आपके दर्शकों के लिए जरूरी है ये समझ लेना। मोदी जी, योगी जी, आरएसएस और अमित शाह जितनी चाहे घोड़े खोल लें, अब वो एक वोट भी इस देश में नहीं बढ़ा सकते। बड़ी तेजी से उनका वोट प्रतिशत गिरेगा। वो जी मैं ये पहले से बता रहा हूं, हिंदुत्व को पूरा खड़ा करने की कोशिश की जाएगी, दंगे फसाद भी किए जाएंगे, ठीक, जितना ही करेंगे उतनी तेजी से वोट नीचे आएगा। 20% के आसपास वोट बैंक जो है वो लगभग उन तमाम धार्मिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी गिर रहा है जिसके दम पर बीजेपी चुनाव लड़ती रही है। ये बहुत बड़ी बात है। एक सेंटेंस और बोलता चलता हूं आपको। मैं आपके शो में एक बात लिख के देता हूं, 2 साल से पहले मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, मगर जो आपके यूट्यूबर्स, मीडिया, तथाकथित पत्रकार जो कुछ भविष्यवाणी कर रहे हैं ना, जो कुछ वो एनालाइजेशन बता रहे हैं, ये कारण नहीं होगा। कारण बहुत कुछ है, फिर किसी दिन अगले प्रोग्राम में ठीक आपको है, जरूर बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर करूंगा, हाँ। मगर ये लेकिन दो अभी साल फिलहाल, सरकार नहीं हाँ चलेगी। फिलहाल और ये पीएम भी की तय है कि कुर्सी, जो जो अब बताया जा रहा वो नहीं है कारण। जी फिलहाल पीएम की कुर्सी कितने खतरे में है ये बात की बात है। उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है और ये दिल्ली देखिए, की ये कुर्सी तो ये खतरे में है। खतरे में है, क्या, हाँ देखिए भाई, कुल ये मिला करके कहा जा सकता है कि आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ को अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा अगर किसी तरह से उन्हें अपनी कुर्सी बचानी, जो कि अभी दिखाई नहीं दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।